कार के रेडिएटर में डाला गया पानी इंजन को कैसे ठंडा करता है और इंजीनियर्स के दिमाग में इसको बनाने का ख्याल कैसे आया। रेडिएटर से होता हुआ पानी वाटर पंप की तरफ जाएगा जो उसे इंजन के अंदर धक्का दे देगा। इंजन में जाने के बाद ये सिलेंडर के चारों तरफ बनी जैकेट को ठंडा करेगा। फिर ये जाएगा सिलेंडर हेड की तरफ जहां इसके डायरेक्शन को ऐसे कंट्रोल किया जाता है जो वॉल्व सीट को आसानी से ठंडा कर सके और उसके बाद सब कुछ ठंडा कराने के बाद ये वापस रेडिएटर की तरफ चला जाएगा। अब देखो इंजीनियर्स के दिमाग में इसका आइडिया कैसे आया। चाय की प्याली लो, अब अगर इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी जाए, मतलब प्लेट में लगाई जाए ट्यूब्स और उसमें से पास करी जाए हवा जिनके सामने लगा हो एक पंखा, तो ये जबरदस्त तरीके से टेम्परेचर को कम करने में मदद करेगी। और यही तो है रेडिएटर, एक बड़ी सी सरफेस और एयर सर्कुलेशन का जुगाड़। रेडिएटर के सामने लगा हुआ पंखा हवा को खींचकर रेडिएटर पर फेंकता है ताकि उसमें बहता हुआ पानी ठंडा हो जाए और दोबारा घूम के इंजन को ठंडा करने चला जाए। क्योंकि अगर रेडिएटर में पानी खत्म हुआ या उसने ढंग से काम नहीं किया तो हीट से इंजन कंपोनेंट हो जाएंगे एक्सपेंड, जिससे हो जाएगा इंजन सीज। अब आपके लिए सवाल, एयर फ्लो और सरफेस एरिया के अलावा और किस किस तरह से टेम्परेचर को कम किया जा सकता है।